पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अमौसी हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद राजनीति गर्मा गई। प्रदेश भर में योगी सरकार के खिलाफ समाजवादियों ने मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किए। मुरादाबाद में सपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही हर तरफ राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में रोड शो कर अपनी आमद कराते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया। वहीं सुबह प्रदेश की राजनीति में उस समय तेजी से उछाल आ गया जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद जाते समय अमौसी हवाई अड्डे पर रोक लिया गया और ये सब प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर हुआ। आज समाजवादी पार्टी महानगर की ओर से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, उसे लेकर एक प्रदर्शन यहाँ कलेक्ट्रेट में किया जा रहा है। और जिस तरीके से देश का माहौल है, उत्तर प्रदेश का माहौल है, योगी सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। उन्हें इंसानों से ज़्यादा गायों की फिक्र है, गायों की जान की फिक्र है, इंसानों की कोई फिक्र नहीं है। तो आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर कर ये मांग कर रहा है कि योगी राज्यपाल जी से कि योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इनके बस की बात नहीं है, मठ चलाने के लिए काफ़ी हैं, इनके बस की बात नहीं है कि ये जो है उत्तर प्रदेश को चला सकें। ये जनता बेहद परेशान है, बदहाल है, लोग मर रहे हैं। किस तरीके से बताइए जो है मतलब जहरीली शराब पीकर लगातार उत्तर प्रदेश में महानगर में किस तरीके से लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये सिर्फ गायों की फिक्र में लगे हुए हैं। तो भाई को भाई मांग है? हमारी मांग है तुरंत इस सरकार को बर्खास्त किया जाए राज्यपाल जी से। और कुरैशी जी, ये योगी जी का एक बयान आया था कि ये जहरीली शराब का कारोबार समाजवादी के समय का है। समाजवादी में कभी जहरीली शराब का कारोबार नहीं हुआ, शराब का ही नहीं हुआ। और आज ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग जो है किसी ने अपनी जान गंवाई हो जहरीली शराब को लेकर। आज सबके सामने है किस तरीके से लोग मर रहे हैं और सरकार बिल्कुल इसमें विफल है।